हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अरुण देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी सुलभ भारतीय 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चले हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं खोल दिया। इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय, जन्म 1960 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनका मृत्यु 1979 उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाल भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ, अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध, भानुभट्ट की आत्मकथा, पुनर्व उपन्यास आदि। गद्य संबंधी, यानी इस पाठ के संबंधी क्या दिया गया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने का पशुत्व का चिन्ह माना है। नाखून पशुत्व बुराई का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी से बुरी आदत आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। उसे हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अर्पण पिता दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो देखिए, जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वह कभी कभी हमें ऐसे सवाल पूछ जाते हैं कि जिसका हमें जिसके पास हम हमारे पास सवाल नहीं होता। वैसे ही लेखक जी के बेटी ने उनको एक प्रश्न पूछा था कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस पर लेखक जी कुछ भी न कह पाए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भौती छुटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर यह इतना बेहाय क्यों। तो देखिए, वो कहते हैं कि जो नाखून रहते हैं, अगर हम उसे काट देते हैं तो वो अपराधी के जैसा दंड सह लेंगे, पर बाद में कुछ दिनों के बाद वो क्या होते हैं, तो फिर से बड़े हो जाते हैं। अरे, और अपराधी के जैसे वो निर्लज्ज की तरह बढ़ते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी ये थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। देखिए, कुछ लाखों वर्षों की बात है, मतलब बहुत साल पहले की बात है, कुछ कि जो आदि मानव थे, मतलब जंगली मनुष्य थे, वो क्या करते थे, अपने नाखून को बहुत बड़ा करके रखते थे, क्योंकि वही उनके अस्त्र और शस्त्र थे। उनके दांत भी थे, पर दांत के बाद कौन सा शस्त्र था, तो फिर वही उनके नाखून थे। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा न लेने लगे। उसने हड्डियां के भी हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डरता है, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पशुवृत्ति का जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुत्व का जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। तो देखिए, अभी इंसान क्या करने लगा है, तो अपने जो शरीर है उसके शरीर का उपयोग कम कर दिया है और दूसरे चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने लगा है। जैसे कि इंसानों ने अभी उस वक्त इंसानों ने क्या किया था, हड्डियों के हथियार बना दिए थे और उसने धातु का हथियार भी बनाए है। तो देखिए, इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे मैं हैरान होकर सोचता हूँ, मतलब कौन, तो लेखक जी हैरान होकर सोचते हैं कि जब अपने बच्चे के नाखून बढ़ जाते तो हम उन्हें डांटते हैं कि वो क्यों नहीं काटते, बल्कि वो दर रोज बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही आजकल किसी को भी नाखून नहीं चाहिए, और ये किसी की वृत्ति है तो जीवन प्रतीक की वृत्ति है। मनुष्य को पशुता की जितनी बार भी काट दो, पर वो कभी मरना नहीं चाहती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अन्यास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ने लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी। देखिए, जैसे आदमी का शरीर और मन की वाक और घटने वाले वृत्तियों के जो विषय रहते हैं और उस पर विचार अगर हम करेंगे, तो अपने वास्तविक प्रकृति जो क्या है, वो पहचानने में हमें बहुत सारी
सहायता मिलती है। मनुष्य की नख बड़े लेने की सहज एक वृत्ति है, वह उसका पशुत्व दिखाती है और उनके काटने की जो वृत्ति है वो उसे मनुष्यता का दिखाती है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र कटाने की ओर। मेरा निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुत्व का अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावत ही हमारा नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश का सच्चा अर्थ। देखिए कभी कभी लेखक जी को लगता है कि मनुष्य की किस ओर बढ़ रहे, देखिए पशुता की ओर बढ़ रहे या फिर मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे, अस्त्र घटाने की ओर बढ़े। मेरा निर्बोध बालिका मतलब जो उनकी बालिका थी, उन्होंने डायरेक्ट किस पर सवाल उठाया, तो मनुष्यता पर सवाल उठाया। और जानते हो कि नाखून क्यों बढ़ते, तो क्योंकि पशुता का ये अवशेष है। फिर वो भी पूछते हैं कि अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि ये पशुत्व की निशानी है। मतलब स्वराज होने के बाद, मतलब स्वतंत्र मिलने के बाद, हमारे कुछ नेता और विचारशील नागरिक लोगों ने क्या किया इस देश को सर्चे अर्थ में। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।